बेटा क्वेश्चन नंबर है, होमवर्क दिया था मैंने आपको 92 में, बच्चों को डाउट है 92 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना बेटा आपको, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर देखो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होगा कि आपकी क्रेडिट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल। आगे क्या लिखा, क्रेडिट रेवेन्यू मतलब आपने क्रेडिट सेल्स कितने की, समझ आ गया, उधार सेल कितने की, ठीक है। उसके बाद कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी, 2 लाख, तो इसका टोटल 6 से 8, 8 लाख होगी, कितनी होगी 8 लाख। जीपी कितना है, 25% ऑफ कॉस्ट। अब हो गया ना चक्कर, ये देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 92, जीपी रेट जो दे रखा है वो 25% है, परसेंट हटाओगे तो ये हो गया बेटा 25 बटे ना, इसको कैसे, 1/4 किसका, ये कॉस्ट का। तो मैंने शॉर्टकट सिखाया होगा आपको, याद है या नहीं है, कॉस्ट का 1/4, लेकिन दे क्या रखे सेल, मैंने कहा सेल का लगाना तो ऊपर वाला इसमें क्या कर देंगे ऐड, कराया हुआ कि नहीं कराया हुआ आपको, कब कराया था बताओ आप, हाँ भर रहे हो तो बताइए ना कब कराया था, कराया था किसमें कराया था, मेरी बात ध्यान पर सुनो प्लीज, एक्स वैक्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोस्ट का 1/4 हमें कॉस्ट मालूम है, क्या मालूम है, जीपी रेट तो मालूम है, जीपी रेट किसका है, सेल का 25%, 25% का 1/4 होता है, मतलब 1/4 किसका, सेल का, 1/4 सेल का होता तो दिक्कत ही नहीं थी, सेल तो हमें मालूम थी उसका 1/4 कर देते, देखो 25% करो या 1/4 करो बात एक ही है, लेकिन वो कहता 1/4 या 25% जो है वो सेल का नहीं है, कॉस्ट का है, और कॉस्ट हमें मालूम ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे, प्रति की तरह मेरी बात समझ रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें एक गलत आदत पड़ गई हर चीज पे हाँ मत बोला करो, बेटा जब नहीं पता हो प्लीज रिक्वेस्ट है। ये कहता है कॉस्ट का 25% प्रॉफिट कमाता है, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, 25% का परसेंट रहोगे 100 हो गया, 1/4 हो गया कॉस्ट का, तो एक कॉस्ट 100 मान लो या एक्स मान लो हो जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। अब ये 1/4 पता है किसका होगा, कोस्ट का होगा, कोस्ट हमें मालूम नहीं है, हमें क्या मालूम है सेल। अगर रेट कोस्ट पे दे रखी हो, किस पे दे रखी हो, और हमें सेल मालूम करनी हो किसकी, रेट सेल की, तो ऊपर ये होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर, अंश और हर हिंदी में, जो अगर कोस्ट की देखते हो ऊपर जो है वो नीचे वाले में ऐड कर दो, ऊपर कितना है नीचे क्या है ऐड करो इसमें, तो 5 लिख दो, लिख दे नीचे 5, और ऊपर एज इट इज लिख दो, मतलब कोस्ट का 1/4 है तो सेल का 1/5 होगी, चेक कर लेना यही आएगा जो फॉर्मूला लगाओगे ना, तो मतलब कोस्ट का 1/4 है तो सेल का क्या होगा 1/5, मतलब जीपी रेट जो था वो सेल का 1/5 है, 1/5 का मतलब 20% हो गया, 25 से 100, समझ आ गया, तो जीपी रेट जो है वो हो गया 1/5 किसका, सेल का। अगर आपको सेल मालूम हो, जीपी रेट सेल पे दे रखी हो और कोस्ट का निकालना हो, तो ऊपर वाला नीचे में क्या कर दो, लेस कर दो, तो कोस्ट क्या जाएगी। फिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम, हमें क्या मालूम है सेल, रेट भी किस पे होनी चाहिए, सेल प्राइस पे होनी चाहिए, उसने रेट किस पे दे रखी, कोस्ट पे, तो हमने रेट को क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, बोलो समझ आ गया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान सुनना, सेल्स प्राइस, टोटल सेल प्राइस कितना है, 6 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, 8 लाख, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वा 3 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 गुना ज्यादा है ओपनिंग से, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्या है, ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 10% है, ये क्या मालूम हो गया बताओ, टोटल सेल्स में से, टोटल सेल्स में से क्या लेस कर दो आप, प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा बताओ, कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। टोटल सेल बोलो कितनी है? 8 लाख। प्रॉफिट लेस कैसे करोगे? 8 लाख का 1/5। बोलो बात समझ आएगी? प्रतीक समझ आ गया? 8 लाख का 1/5 कितना हुआ? करो बेटा 1,60,000 आ गया ना। बोलो 8 लाख में से 1,60,000 आप लेस कर दो, कितना आया? 6,40,000 आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या की बेटा? अब क्वेश्चन क्या बोलता है? ओपनिंग स्टॉक जो है क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 6,40,000। उसका 10% बोलो कितना आया? 4,000। कोई डाउट है किसी को? मतलब ये रेट सही कर, ये सब 25% दे रखा है, 25% कॉस्ट का है, मतलब प्रॉफिट हम कमाते हैं 25% कॉस्ट पे। तो कॉस्ट तो हमें मालूम नहीं, हमें मालूम क्या है? सेल। तो रेट को चेंज करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट सीख लो आप। समझ आ गया? ये बात समझ आ गई? ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 61। क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्वेश्चन क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक का 3 times है। ओपनिंग स्टॉक कितना? तो उसका 3 times कितना आया? कोई डाउट है किसी को? बोलो समझ आ गया? क्या पूछा है क्वेश्चन ने? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको मालूम है 6,40,000 है। एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है डिवाइड बाय 2, करो कितना आया? 1,28,000 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 5 times। अब सुनो इसको ऐसे क्या, ये तो आपको मुझे शॉर्टकट सिखा दिया, 1-4-5 वाला। अब बताओ हम प्रॉफिट कितना कमाते हैं? अगर आपको स्कूल वाला टीचर कराएगा तो कैसे कराएगा? हम, ये तो मेरे को पता है, मैं तो सीए को पढ़ाता हूँ, सीए में ये कराता हूँ बेटा मैं आपको। ये बात समझा कि मैंने ये चेंज क्यों किया? क्योंकि जी पीरियड किसका दे रखा है? जी पीरियड 25% ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ ना केशव। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो 25% करो, प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन किसका करो? कॉस्ट का करो। और हम 8 लाख का आंख बंद करके करते तो गलत होगा ही। वो कहता 25% कॉस्ट का करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये 8 लाख कॉस्ट है मेरी, फिर इसका 25% करोगे तो गलत ही आएगा ना। तो इसके लिए क्या मालूम होनी चाहिए? कॉस्ट हमें मालूम ही नहीं है। फिर दूसरा काम, या तो कॉस्ट मालूम हो या वो रेट कॉस्ट पे, उसको रेट को सेल पे बना लो। और रेट को सेल पे बनाने का ये शॉर्टकट है। 25% का मतलब 1/4 हो गया। तो मैंने कहा था कॉस्ट पे और सेल की बनानी, तो ऊपर वाला उसमें ऐड कर दो, बन जाएगी। और या फिर ऐसे करो, हमें क्या मालूम होना चाहिए? कॉस्ट मालूम होना चाहिए। कॉस्ट नहीं मालूम, देखो एज यू अल्टरनेटिव बता रहा हूं, एज यू कॉस्ट 100। कॉस्ट क्या है? प्रॉफिट हम कमाते हैं 25%, किसका? कॉस्ट का। जब कॉस्ट 100 माने तो 25% प्रॉफिट कितना हो गया? 25। कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25, तो ये 125 क्या हो गया बताओ? अब बच्चों को ये नहीं आता, भारत का भविष्य है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सेल्स प्राइस हो गया बेटा। एक सौ पच्चीस क्या आ गया? सेल्स प्राइस आ गया। आ गया बेटा, मैंने इक्वेशन बना ली, कॉस्ट कितनी 100, प्रॉफिट कितना? इतना दिमाग आप भी मिलना चाहिए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो गया? सेल प्राइस हो गया। ये एक इक्वेशन बन गई। जो चीज गिवन हो वो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, और जो चीज गिवन हो वो
अब आपको ये बताओ, अगर कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, आपको क्या कैलकुलेट करना है दिव्यांशी, आपको क्या चाहिए बताओ। वो तो बात की बात है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला हो तो मेरे को पता है। क्वेश्चन रुक कहां गया, हमें क्या चाहिए, कोस्ट चाहिए। कोस्ट निकल जाए उसका 10% इन्वेंट्री आ जाएगी, फिर तो आगे क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, किसकी, जो गुड्स बेचे उसकी कोस्ट चाहिए। क्या चाहिए यार, हमने मेरे कोस्ट ही तो निकाली थी, कोस्ट का 10% क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक उसका 3 times कर दिया, अब फिर फॉर्मूला लगा दिया कोस्ट डिवाइड, तो हमें कोस्ट चाहिए ना, तो कोस्ट चाहिए, राइट हैंड साइड में कोस्ट लिखेंगे। बात समझाएगी। अब एक बच्चा कहता सर मेरे को कोस्ट नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ तेरे को क्या चाहिए, सर मेरे को प्रॉफिट चाहिए। मैं कहता हूँ प्रॉफिट निकाल लेगा, मैं बेटा प्रॉफिट निकाल लेगा क्या करेगा, कहता सर सेल में से प्रॉफिट लेस कर दूंगा। वो भी सही है, वो गलत नहीं, वो भी सही है। बोलो बात समझाएगी नहीं। मान लो बच्चा प्रॉफिट निकालता है, अब देखो कैसे करेगा, ये इक्वेशन है आपकी, बताओ सेल प्राइस कितना है इस इक्वेशन में। अगर सेल प्राइस 125 है तो बताओ प्रॉफिट कितना, 25, यही हुआ। अगर सेल प्राइस 1 रुपया है तो प्रॉफिट कितना, 25 बटा 125। अगर सेल प्राइस कितनी है, 8 लाख है, तो 25 डिवाइड बाय 125 इंटू, आपने इतना लंबा कार्यक्रम किया, 25 बटा 125 1.5 ही होता है, जो मैं सिखा चुका हूँ। ईस्ट और वेस्ट, यदुवंशी इज बेस्ट। टीचर कराएगा, गैक्स मनवाएगा, मैंने आपको यही बता दिया, एक छोटी 15 साल का इतिहास बेटा, मैंने आपको एक मिनट में बता दिया कि भी कोस्ट का देके सेल निकाले, शॉर्टकट है ये। 25 बटा 125 क्या होता है, 1/5 हुआ, वही जो मैं बता रहा वही है। बोलो समझ आएगी, कितना आएगा, 1,60,000। क्या आ गया, 1,60,000 प्रॉफिट आ गया, सेल में प्रॉफिट लेस कर दो कोस्ट आ जाएगी। अब और सुनो, आप डायरेक्ट कोस्ट भी निकाल सकते थे, कैसे निकालते डायरेक्ट, क्या निकालते, कोस्ट, सेल प्राइस 125 है तो कोस्ट कितनी, 100। बोलो सही, सेल प्राइस 1 है तो कोस्ट कितनी, 100 बटा 125। अगर सेल प्राइस कितनी है, 8 लाख है, तो कोस्ट कितनी, 100 125 इंटू 8 लाख, वो डायरेक्ट आ जाएगा 6,40,000। अब ये भी इसका लॉजिक भी सुनो, 100 बटा 125 का मतलब क्या हुआ, 4/5 हुआ ना, अच्छा टोटल प्रॉफिट 1 होता है, 1/5 प्रॉफिट है, 1 में से 1/5 लेस करो क्या आएगा, 4/5 आएगा। आप पार्टनरशिप में बहुत कुछ कराया हुआ, टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1.5 उसको दे दिया, कितना बचा, 4/5 बचा, 4/5 कोस्ट बची। एक्चुअल में 93 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री निकलवाई आपसे, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 68,000, ठीक है, टोटल सेल दे रखी है बेटा आपको 4,80,000, कहता है इसके अंदर 120 क्या है, कैश सेल्स है, चलो 480 में से 120 कैश सेल्स लेस करेंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। वैसे बता रहा हूँ, देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन पूरा पढ़ने में पता लगेगा क्या करना है। टोटल परचेज दे रखी है 360 और उसमें क्रेडिट परचेज बता रखी है, गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, अंडरलाइन करो, लगाए शॉर्टकट, बोलो लगाए शॉर्टकट, क्या लगा दो शॉर्टकट से आपका एक्स एक्स मानने वाला तरीका खत्म हो जाएगा सब कुछ। 25% ऑन है, ठीक है, ऐसे लिख दिया परसेंट, इसको छोटा कर लिया, 1/4 प्रॉफिट 1/4 ऑन कोस्ट, ऐसे लिख दिया, फिर लिखो इट मींस, ऐसे लिखना आप, इट मींस 1/5 ऑन सेल, ओके का 1/5 कैसे निकाला, कैसे, वेरी सिंपल, उसको 100 मान लो पता लग जाएगा, 1/5 ही बनेगा, आप करके देख लो, चाहे समझिए करके देखो सर,
क्या आपने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई? क्या सर ऑब्वियस है ये तो, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में ऐड होगा पक्का, और आपको ये दे दे, ये लो 25/125 ये बनेगा नहीं गुणा 5 बनेगा, समझ गए? लॉजिक बता दिया, लॉजिक भी बता दिया मेरे साथ में आपको, आप हमेशा करोगे ऐसे होएगा, ठीक है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में 1 सेल दे दे आपको, मतलब 20% सेल का, तो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, और क्वेश्चन में बाय चांस आपको कॉस्ट का निकालना हो, उसमें से वापस लेस कर दो कॉस्ट का बन जाएगा, मतलब कॉस्ट सेल का निकालना चाहिए और सेल से वापस कॉस्ट का, ऐसे लिखना है 1/4 कॉस्ट इट मींस 1/5 ऑन सेल, बोलो समझ आएंगे? बस हो गया क्वेश्चन। और अगर वैसे करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अब सुनो कैसे, टोटल सेल दे रखी है, टोटल सेल बताओ कितनी है, 4 लाख दे रखी है टोटल सेल, उसका 1/5 निकालो प्रति कितना है बेटा, हैं आगे समझे, टोटल सेल्स का 480 थी तो उसका 1/5 नहीं बेटा, 4,80,000 का 1/5 384 कैसे आएगा, तुमने सीधा कॉस्ट बता दिया, मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, 480 का 1/5 करना, 5 की टेबल 96,000 आ गया, ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट आ गया, 4,80,000 का 1/5 क्या प्रॉफिट है बेटा, बोलो। अब आपको क्या निकालनी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा, ये 3 लाख, इसको देखो मैं बार बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख रहा हूँ ना, तो आप कंफ्यूज हो जाना, इसका दूसरा नाम था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा नाम भी याद रख लो, बाय चांस क्वेश्चन में वो लिखा हो गया तो आपको भी ये क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, हाँ 384 आ गया। अच्छा क्वेश्चन निकालता हूँ, क्या पूछा इसने हमसे, ओपनिंग स्टॉक पूछा, ये आ गया। अच्छा क्वेश्चन के अंदर है, आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी दे रखा है ना, क्या दे रखा है, अच्छा अब क्या हुआ बेटा, वहां तो उसने बोल दिया कि ओपनिंग इन्वेंटरी 10% है कॉस्ट का और क्लोजिंग इन्वेंटरी उसका 3 टाइम है, तो हमने 3 टाइम कर दिया, यहां पर कुछ नहीं बोला प्रतीक कुमार, यहां कुछ नहीं बोला, यहां क्या बोला, सिर्फ स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग कितना 68, क्या निकालो ओपनिंग स्टॉक निकालो, तो सबसे बेस्ट तरीका, हाँ जी वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, सर आपका दिमाग काम कर जाता है, हम भूल जाते हैं क्या लगेगा, आप जो चीज निकालनी है ना उस चीज का उसमें नेम आ रहा है तो वो फॉर्मूला लगेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं क्वेश्चन में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये देखो, अब इसमें देखो ये को इनमें 1, 2, 3 और 4 कितनी आइटम, इधर देखो सारे, इधर देखो कितनी आइटम है, 4 में से 3 पता है तो एक बैलेंस एंड फिगर निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ओपनिंग स्टॉक दिया रखा है, निकालना है निकाल लेंगे, चाहे आप इसको एक्स लिख लो, प्लस परचेज बोलो 3 लाख टोटल परचेज 3 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इधर भेजो इसको 384,000, इसको इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस 68,000 और माइनस 360 इजिकल टू ओपनिंग स्टॉक, बोलो कितना है बताओ, अब सीधा करके लिख दो अमाउंट तो लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया 90, बहुत आसान है, नोट कर लो, हो गया। चलो कहां तक होमवर्क हो गया अपना, 90। नेक्स्ट रेशियो लिखो बेटा ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बेटा पहले इसको हम डेटर टर्नओवर रेशियो बोलते थे, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है डेटर, तो इसका नाम दूसरा क्या लिख सकते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है डेटर, पहले डेटर वर्ड यूज ज्यादा होता था, अब क्या नई बैलेंस शीट आने के बाद क्या वर्ड यूज होने लग गया, ट्रेड रिसीवेबल,
टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो, सुनना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब सेल है बेटा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब क्रेडिट सेल्स लेनी है, क्या लेनी है, शॉर्ट में लिख देता हूं, दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स, क्या लेनी है आपको, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टीआर का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्या ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम क्या है, डेटर, मतलब वहां एवरेज किसका लेते थे, स्टॉक का, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती थी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू, और यहां में एवरेज क्या लेने हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल को शॉर्ट में लिखा टी ऑब्लिक आर, ट्रेड रिसीवेबल मतलब, ट्रेड रिसीवेबल मतलब एवरेज डेटर लेने, ठीक है। अब एवरेज डेटर का मतलब क्या है बेटा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या, सुनो ध्यान से, ओपनिंग डेटर या बीआर, ओपनिंग डेटर या बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर या बीआर डिवाइड बाय टू, बोला अगर बीआर भी दे रखे तो बीआर को भी किसमें इंक्लूड करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में, अगर डेटर बीआर दोनों दे रखे तो दोनों का ओपनिंग ले लेंगे, दोनों का क्लोजिंग ले लेंगे और डिवाइड बाय टू कर देंगे, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। आगे बस चलिए नोट करो, इसी का ही एक पार्ट होता है कि ये बताता है कि कहता है कि डेटर, डेटर मतलब जिससे हमने पैसे, डेटर को शॉर्ट में क्या, जिससे पैसे लेने वो हमारा लोन हो गया ना, उसको डेब्ट भी बोल सकते हैं, क्या हो सकते, डेट, डेटर या डेब्ट, कलेक्शन पीरियड मतलब हम डेटर को कितने टाइम की उधार देते हैं, या इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्या बेटा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, हमसे पूछ ले बाई चांस, तो मतलब कितने दिन में हम उधार बेचते हैं उसके पैसे आ जाते हैं, तो वह या तो मंथ में निकाल सकते हो या डेज में, अगर आप मंथ में निकालते हो तो ऊपर 12 लिख लेना क्योंकि तो साल में 12 महीने होते हैं, अगर डेज में निकालते हो तो ऊपर क्या लिख लेंगे 365, और डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, रेशियो निकलेगा ना ऊपर उससे डिवाइड कर दोगे तो उसका पीरियड आ जाएगा, नोट कर लो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक क्वेश्चन करता हूं फिर क्लियर हो जाएगा आपको, नाइनटी सेवन देखिए क्वेश्चन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, दे रखिए क्वेश्चन में बताओ बेटा कितनी दे रखी आपको, क्वेश्चन नंबर कितना 97, कितनी देर की क्रेडिट 12 लाख बोलो बेटा, डिवाइड किससे करना आपने, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डेटर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बीआर वगैरह जो भी है, अब क्वेश्चन में देखो डेटर दे रखे हैं आपको कितना 1,20,000 और बीआर दे रखे हैं कितने 80,000, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग अपन यही मानेंगे, 1,20,000 और 80,000 कितने हो गए 2,00,000, तो ये एवरेज ही मानेंगे, अगर दो तो होते तो दौड़ के डिवाइड कर देना, तो वो है ही नहीं, समझ आ गया, कहीं जीरो मान के डिवाइड मत कर देना गलत हो जाएगा, अगर कुछ नहीं कहा तो यही एवरेज है, 1,20,000 और 80,000 कितना होगा टोटल 2,00,000, तो एवरेज कितनी मानेंगे 2,00,000, एवरेज डेटर कितने हो गए 2,00,000, कितना आ गया 6 टाइम आपका
डेटर से कलेक्शन का पीरियड कितना टाइम आएगा बेटा? 6 टाइम हम डेटर से कलेक्शन करेंगे। सर होगी लोड आपकी, ठीक। डेटर से कलेक्शन जो करेंगे वो कितना करेंगे बोलो बेटा? 6 टाइम। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना प्लीज, कि आप जो क्रेडिट सेल्स थी वो 12 लाख थी, एवरेज डेटर कितने हैं? 2 लाख। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? 6। इसका मतलब सुनो, मतलब साल में, इधर देखो, साल में प्रतीक इधर देख बेटा, साल में 2-2 लाख के कुछ कितनी बार बिकेंगे? 6 बार बिकेंगे, तो 12 लाख की सेल होगी, ये मतलब है यहाँ पर। अब सुनो, अगर हमें कलेक्शन पीरियड निकालना है, क्या निकालना है? डेटर कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड, बात एक ही है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, अब सुनना, कभी भी निकालना हो तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 डिवाइड कर दो 6 से। फॉर्मूला क्या था? 12 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है? 6 है, 6 से डिवाइड करके कितना आ गया? इसका वाला हम 2 महीने की उधार देते हैं डेटर को, 2 महीने बाद वो मेरे को क्या देंगे? 2 लाख रुपए देंगे। फिर मैं 2 महीने की उधार दूंगा, फिर 2 महीने की, इतना कितनी बार होगा? 6 बार होगा साल में। समझा गया मेरी बात? ये मतलब है, नोट कर लीजिए। वैसे इसे करवाया क्या अपने से? नहीं, बस ये ही नहीं करवाया था मैंने, आगे एडवांस बता दिया। और अगर ये डेज में चाहिए आपको तो 12 की जगह क्या लिख देंगे? 360। मतलब कलेक्शन पीरियड निकालना तो जो रेशियो आएगा उससे डिवाइड होगा। अगला क्रेडिटर वाले में भी होगा, अभी तो ये डेटर का, अब अगला क्रेडिटर का भी आएगा फॉर्मूला। बोलो समझ आया कि नहीं आया? चलिए एक काम करो, हेलो, क्वेश्चन नंबर 98 करो भी। क्वेश्चन नंबर 98, अब सुनो, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, इसको लेस मत कर देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब ये होता है कि इतने पैसे हमारे डूब सकते हैं, अभी डूबे तो नहीं है ना, तो डेटर का पार्ट होते हैं। बैलेंस शीट में अपने डेटर दिखाते हैं पूरे, उसमें से लेस करते हैं प्रोविजन, बाहर नेट दिखाते हैं, ठीक है। नेट का मतलब क्या होते हैं? जो गुड डेटर है, जिनसे पैसे पक्का मिलेंगे। और डाउटफुल का मतलब है जिनसे पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं मिले। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें तो टोटल डेटर लेने हैं। ध्यान से सुन लेना, प्रोविजन लेस मत करना। एक्चुअल में अगर डूब गया तो लेस होंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस नहीं, क्योंकि प्रोविजन का मतलब उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। हमें वो पैसा लेट देगा, देरी से देगा, डाउट है, लेकिन है तो हमारा वो क्या डेटर। तो ध्यान करो, क्वेश्चन हो गया बेटा, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? बिल्कुल सिंपल था यार, इतना टाइम क्यों लगाया आपने? ठीक है, अब सुनो मेरे बात, 98 हो गया, 99 से लेके और कहां तक है इसके क्वेश्चन? 110 तक, 98 से लेके 110, 12 क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कल मैं करवा दूंगा, ठीक है। जय श्री श्याम।